नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इस चालाक दुनिया में इंसानियत धड़ल्ले से बिक रही है। हमें अपनी मासूमियत को इस सौदेबाजी से बचाना होगा, कहीं इस दलदल में हम धस ना जाएं। हमें खुद को बचाना होगा। अंकल, अंकल, मैं काजल, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अंकल आप प्लीज प्लीज अंकल मेरी हेल्प करिए, मैं मुसीबत में हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जिम्मेदारी है समाज को बेहतर बनाने की, लेकिन आज के मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लालच को समाज की दुर्गति हाँ। है आजकल के बच्चों को ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का एक ही नुकसान है, हिंदी में बहुत ही कच्चे होते हैं। और बेटा तुम तो पत्रकार की बेटी हो, फिर भी तुम्हारी हिंदी इतनी खराब। माँ, मैं ना आपके और पापा की तरह कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे ना इंग्लिश रिपोर्टर बनना है। अच्छा, देखना क्या टॉप की रिपोर्टर बनूंगी मैं, प्राइम टाइम पे मेरा शो आएगा। हाँ हाँ, बन जाना टॉप की रिपोर्टर, लेकिन तेरी हिंदी भी मैं सुधार के रहूंगी। सुधार लेना। पहले आप ये बताइए कि हमारे पूज्य पिताश्री कब आ रहे हैं। बस आ रहे हैं वो। ठीक, पापा हो गई पार्टी की तैयारियां? हाँ, थोड़ी सी बाकी है मेरे बिना। दादी, ये दादी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अभी आप इतने टाइम बाद आई है ना, तो मैं आपको वापस नहीं जाने देने वाली। अब हो गई शिकायत दूर। चल बर्थडे पार्टी मनाते हैं। क्या हुआ गीतिका? किसका कॉल था गीतिका? किसी का नहीं, ये टेली कॉलर्स भी ना कॉल कर करके परेशान करते रहते हैं बस। मैं माँ को कोल्ड ड्रिंक देके आती हूँ। तो ये बात ये छुपा रही है तुम मुझसे? कौन था मामा? कौन है वहां? ले पहन ले, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाए, और हाँ, हाथ मुंह धो धा के अपने आप को ठीक कर ले। खूबसूरत जिंदगी के सपने हम सब देखते हैं, लेकिन जब ये सपने टूटते हैं तो हर दर्द की एक अलग कहानी होती है। पर काजल की कहानी क्या थी? उसका हंसता खेलता बचपन और उसका खुशहाल परिवार किस गुनाह के साए में बिखर गया था? उसके माता पिता और दादी अब कहां थे? और वो खुद किस अंधेरे में जी रही थी जिसने उसकी मुस्कान छीन ली थी? वो कहां थी, किन लोगों के साथ थी? आखिर क्यों उसकी जिंदगी, उसकी मासूमियत एक पिंजरे में कैद सी नजर आ रही थी?
हमारे हाथ में क्या जंग लगा है? ए, अच्छा नहीं होगा, रुक तेरा अच्छा करता हूं। करने की कितना खून निकल रहा है माँ, चल उधर चल, कुछ नहीं हुआ माँ, तू चुप रह, ऐसा ही कट है, कुछ नहीं हुआ, ये छोटा सा कट है, हाँ ज्यादा लग जाती तो सर, सर अभी अभी खबर मिली है कि बाईपास पर एक फैमिली के साथ लूटपाट हुई है सर। उनके एक फैमिली मेंबर की हत्या कर दी गई और उनकी महिलाओं के साथ रेप हुआ है सर। चलो
सर कल एक फोन आया था जिसके बारे में वारदात के बारे में इन्फॉर्म थी सर। सुनीता जी सर, इन लेडीज को हॉस्पिटल लेके जाओ, इनका मेडिकल चेकअप कराओ। जी सर। कैसे हुआ ये सब? कौन थे वो लोग? हम नहीं जानते वो लोग कौन थे, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। सुन रहे हैं ना, आपके इलाके में इतना बड़ा वारदात होता है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, आप लोग जिम्मेदार इसका। देखिए, उस परिवार का गुस्सा जायज है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना, और कर क्या रहे हैं आप लोग? आपकी वजह से जनता में मेरी छवि खराब हो रही है। सर, हम क्रिमिनल्स को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम ये केस सीनियर ऑफिसर अभिमन्यु जिंदल को हैंडओवर कर रहे हैं। सर, 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 सर। देखिए, मैं आप सभी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब इस केस में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम उन सभी क्रिमिनल्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सर, इससे पहले भी इस इलाके में और भी कई वारदातें हो चुकी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये केस बहुत ही संवेदनशील है, इसमें मैं आप सभी लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। अगर आप लोगों के पास इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या लग रही है? हमारा नंबर है 9333952। ज्यादा मत देगा, अगर दिमाग खराब होता है। चल आजा। सर, जिस तरह की ये वारदात है, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं। ऑन रिकॉर्ड इस एरिया में 5 अलग अलग जगहों पर 5 अलग अलग फैमिलीज के साथ रेप और लूटपाट की घटना हुई है। हो सकता है घटनाएं ज्यादा भी हुई, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 5 हुई हैं। ये भी तो हो सकता है कि शीघ्र दूसरी जगहों पर भी फैला हो, लेकिन प्रेजेंट में हम इस केस को फॉलो करेंगे। जी सर। सर, ये फैमिली शादी के फंक्शन से घर लौट रही थी जब ये हादसा हुआ। लोकल पुलिस को क्रिमिनल्स का एक टिफिन हाथ लगा जिसमें चिकन था। सर, एक टिफिन बॉक्स मिला है सर, जो इन फैमिली का नहीं है बल्कि उन क्रिमिनल्स की है जो आनन पानन में ये बक्सा छोड़ के गए हैं साहब। इसमें चिकन है साहब। लोगों ने वहाँ पर खाना खाया लेकिन चिकन को छुआ तक नहीं। ये चिकन ना खाने के पीछे कोई तो कारण होगा। अच्छा, इस टिफिन पे एक नाम खुदा है, नाथू सिंह। जी सर, ये नाम वाला एंगल और क्रिमिनल्स के चिकन ना खाने वाले एंगल को पुरानी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी उनके। उनकी इन्वेस्टिगेशन जहाँ ख़त्म हुई है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्राइम सीन विजिट करते हैं। सर, ये जगह बाईपास रोड से लगभग आधा किलोमीटर जंगल के अंदर है। ये जो पांचवी वारदात हुई वो इसी लोकेशन पर हुई। इस पांचवी वारदात से पहले जो 4 वारदातें हुई थी वो यहां से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, और ये 5 वारदातें इसी बाईपास रोड के आसपास हुई। इस रेडियस में कोई रिहाइश भी नहीं है। राइट सर, रात को इलाका और भी सुनसान हो जाता होगा, जिसका फायदा क्रिमिनल्स ने उठाया। अगर आसपास कोई रिहाइश नहीं है तो फिर यहाँ पे पूजा करने कौन आता होगा? शाश्वता, आसपास के इलाकों में पता करो कि यहाँ पर लोकल लोगों का आना जाना है क्या। ए, गाड़ी रोको, वापस लो, रिवर्स लो। रोको।
अगर इस कच्चे रास्ते से क्राइम सीन पर जाएं, तो क्राइम सीन होगा यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर और अगर प्रॉपर रोड से जाएं, तो क्राइम सीन का डिस्टेंस होगा लगभग 1 किलोमीटर। ये बैरिकेडिंग ऐसी जगह पर है कि यहाँ से क्राइम सीन का शॉर्टकट है। साक्षुता, पता करो कि ये बैरिकेडिंग वारदात होने के पहले से यहाँ पर लगाई जाती थी या वारदात होने के बाद से लगाई जाने लगी, और ये भी पता करो कि यहाँ पर किन पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। अंकल से बात करनी है। अंकल? कौन अंकल? देखिए आप अंकल को फोन दीजिए मुझे। हेलो 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 सर, वारदात के पहले या बाद में किसी भी पुलिस चौकी ने उस जगह बैरिकेड्स नहीं लगाए थे। वो बैरिकेड्स वहां किसने पहुंचाए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैरिकेड क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए हो? उसी बैरिकेडिंग से टारगेट सेट करके आगे इन्फॉर्मेशन पास कर दी जाती हो। एक काम करो, विक्टिम्स की फैमिलीज को बुलाओ। सर, उस रात हम शादी से वापस लौट रहे थे और अचानक गुंडों ने हम पे हमला कर दिया। निकाल 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 सब पर निकाल सब पर निकाल। चल, जहाँ पर ये वारदात हुई उससे पहले तुम्हें कोई पुलिस बैरिकेडिंग मिली थी? सर, आधा एक किलोमीटर पहले एक नाकाबंदी पे हमारी गाड़ी रुकवाई गई थी। अच्छा, वो जो पुलिस वाला था उसकी शर्ट पे कोई नेम प्लेट लगी थी? सर, इतना ध्यान तो नहीं है मुझे। सर, चेहरा याद है उस पुलिस वाले का? सर, काफ़ी अंधेरा था और मुझे कुछ याद भी नहीं है सर। अच्छा, सर, क्राइम सीन के आसपास के रिहायशी इलाकों में हमने उस पत्थर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जिस पर सिंदूर लगा हुआ मिला था, लेकिन वहाँ के लोग ऐसी कोई पूजा करते हों इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। अगर लोकल लोग वहाँ पर पूजा नहीं करते हैं, तो क्या क्रिमिनल्स ने वहाँ पर पूजा की होगी? सर, हो सकता है कि ये किसी ट्राइबल कम्युनिटी का काम। ऐसे समुदाय होते हैं जो धार्मिक भी होते हैं और ऐसी वारदातें भी करते हैं। आखिरी वारदात जिस दिन हुई उस दिन मंगलवार था और क्राइम सीन से हमें चिकन से भरा हुआ टिफिन मिला। अक्सर लोग मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाते। हो सकता है किसी खास समुदाय के हों। ऐसे समुदाय के बारे में पता करो और इस वारदात से पहले जो चार वारदातें हुई हैं उनकी फैमिलीज को बुलाओ। हेलो, मुझे अंकल से बात करनी है। आप मेरी अंकल से बात करवाइए। कौन से अंकल से आपको बात करनी है? ये पुलिस स्टेशन है। वो जो टीवी पर आए थे ना, मुझे उस अंकल से बात करनी है, तो आप उनके अंकल से बात करवाइए। कौन से अंकल आए थे टीवी पे? आप बताइए बेटा, क्या बात है मुझे बताइए। क्या हुआ? सर, एक बच्ची का कॉल है, वो कह रही है मुझे उस अंकल से बात करनी है जो टीवी पर आए थे। हेलो हेलो बेटा, मैं वही अंकल हूँ जो न्यूज़ में आए थे टीवी पर। बोलो, क्या बात करनी है? अंकल, मैं ना यहाँ पर फंस। इस बच्चे का दोबारा से फोन आए तो बताना मुझे। सर,
डॉक्टर रंजन, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर क्रिमिनल तक पहुँचने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 30 मई की रात को जो जो आपके साथ हुआ था, प्लीज़ वो हमें डिटेल में बताइए। सर, उस दिन मेरे नए क्लिनिक का ओपनिंग फंक्शन था। मैं अपनी फैमिली के साथ उस बाईपास रोड से घर लौट रहा था कि तभी 5 गुंडे लोगों ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया और लूटपाट की सर। और सर, मेरी वाइफ और सिस्टर के साथ उन लोगों ने। सर, मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरी बहन का रेप किया और सर मुझे बुरी तरह से मारा और सब कुछ लूट कर ले गए हमसे। सर, हमारे पति बिजनेसमैन थे, तो उस दिन हम लोग गोरखपुर से घर जा रहे थे। उन गुंडों ने हमारी कार पे कुछ फेंका जिससे हमारी कार इनबैलेंस हो गई। उन लोगों ने हमारे पति को मार दिया और हमारे साथ। उस घटना के कुछ देर पहले एक चेक पोस्ट पे हमारे गाड़ी के ऊपर चेक हुए थे। हाँ सर, वहां से कुछ देर पहले एक नाकाबंदी थी। हाँ सर, हमारी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी। इन पांचों वारदात में एक चीज कॉमन है, चेक पोस्ट पर विक्टिम्स की गाड़ी को रोके जाना। आई एम श्योर इन क्रिमिनल्स के कुछ साथी फेक पुलिस वाले बनकर टारगेट सेट कर रहे थे, आगे इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे और उनके दूसरे साथी वारदात को अंजाम पहुंचा रहे थे। लेकिन सर, किसी भी विक्टिम ने क्रिमिनल का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वारदात के वक्त सबके चेहरों पर गमछे बंधे हुए थे। हाँ, लेकिन जो फेक पुलिस वाले थे उनका चेहरा तो देखा होगा, और हो सकता है विक्टिम्स में से किसी ने क्रिमिनल्स का चेहरा भी देखा हो। विक्टिम्स के साथ दोबारा से बात करो, फेक पुलिस वाले और क्रिमिनल्स, इनके स्केच बनवाओ। सर, सर, उस बच्चे का दोबारा कॉल आया है। हेलो अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए। हाँ हाँ बेटा, हम जरूर बचा लेंगे। अच्छा बताओ, तुम किस मुसीबत में हो और इस वक्त हो कहाँ पर? जिस नंबर से एक कॉल आया, पता करो किसका कॉल है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो। सर, ए, 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 चलो चलना नहीं है। सर, कुछ विक्टिम्स की मदद से हमने क्रिमिनल्स के स्केचेस बनवाने की कोशिश की। याददाश्त पर काफी जोर देने के बाद ये 7 स्केचेस बने हैं, लेकिन इनके हुलियों को देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये कितने एक्यूरेट हैं। अपना डेटा चेक करवाओ, हो सकता है इनमें से किसी का किसी नामी क्रिमिनल के साथ हुलिया मिलता है। अब तक जो ये 5 वारदातें हुई हैं, उनमें से पहली वारदात हुई 30 मई को, दूसरी हुई 5 जून को, तीसरी हुई 11 जून को, चौथी हुई 17 जून को और ये आखिरी हुई 23 जून मंगलवार के दिन। 30 मई को जो हुई थी उस दिन सैटरडे था, 5 जून को जो हुई उस दिन फ्राइडे था, 11 जून को जो हुई उस दिन थर्सडे था, 17 जून को जो हुई उस दिन वेडनेसडे था, 23 जून को जो हुई उस दिन ट्यूसडे था, यानी कि मंगलवार। गौर करने वाली बात यह है कि एक वारदात से दूसरी वारदात के बीच 6 दिन का गैप है, 6 days। लेकिन जो ये आखिरी वारदात हुई थी 23 जून को मंगलवार के दिन, तब से लेके अब तक 10 दिन हो गए, कोई वारदात नहीं हुई है, 10 days। सर, हो सकता है इस केस में हमारे इन्वॉल्वमेंट के बाद वो लोग शांत बैठ गए। लेकिन हम शांत नहीं बैठने वाले हैं जब तक कि हमें कोई लीड ना मिल जाए। ये जो आखिरी वारदात हुई थी 23 जून मंगलवार के दिन, इसके क्राइम सीन से हमें मिला था चिकन से भरा हुआ टिफिन, बैरिगेट और पत्थर पर पूजा करने के निशान। तो इस वारदात से पहले की जो ये 4 वारदात हुई हैं, हो सकता है इनके क्राइम सीन पर भी ऐसा कुछ मिले जो अब तक इन्वेस्टिगेटिव टीम को नजर नहीं आया है। हमें ये 4 क्राइम सीन रिविजिट करने हैं। क्लियर? यस सर। ले, तेरे लिए दूध लाया हूं, फटाफट पी ले। सुना नहीं? दूध लाया हूं, फटाफट पी ले। नहीं मानेगी। मुझे अपने तरीके से ही पिलाना पड़ेगा। चल मुखल, 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 इधर चल।
रख के जा रहा हूं, बचा हुआ पी लेना। उस बच्चे का दोबारा कॉल आया है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 अंकल, मैं काजल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अंकल, हेलो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये फोन काट के अपने मोबाइल फोन से आपको वीडियो कॉल करता हूँ। अंकल अंकल, मैं काजल। हेलो बेटा, हेलो। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है अंकल, आप प्लीज प्लीज अंकल मेरी हेल्प करिए, मैं मुसीबत में हूँ। स्विच ऑफ हो गया। बच्ची काफी घबराई हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुसीबत में हो, उसको कहीं बंद करके रखा गया हो। ये देखो विंडोज पर भी वुडन प्लांट्स लगे हैं। जिस नंबर से बच्ची फोन कर रही है, मैंने कहा था तुमसे पता करो किसका नंबर है, कहाँ का है, पता क्या? सर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को बोला था लेकिन। एक बच्ची मुसीबत में है, मदद मांग रही है हमसे, कुछ भी हो सकता है उस बच्ची के साथ, और तुम्हारे पास लेकिन के अलावा कोई जवाब नहीं है। खड़े क्या हो, पता करो। सर सर, जिस नंबर से वो बच्ची कॉल कर रही थी वह किसी जयदेव वर्मा के नाम से नील कटरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, और वो नंबर काफ़ी टाइम से भी बंद आ रहा है। और सर ये जयदेव की फ़ोटो। अच्छा, जिस वक्त बच्ची ने कॉल किया था उस वक्त वो नंबर कहाँ पर एक्टिव था? सर गौतम नगर। मैं आपको ही फोन करने वाली थी। 17 जून को जो चौथी वारदात हुई थी वहाँ एक खून से सनी हुई शर्ट मिली है। हाई पॉसिबिलिटी है कि एक क्रिमिनल की शर्ट हो और क्राइम के बाद चेंज की गई हो। साक्षिता अपनी टीम को बोलो कि पूछताछ जारी रखे। मैंने अभी तुम्हें एक जयदेव वर्मा नाम के आदमी का एड्रेस भेजा है। वो बच्ची हमें जिस नंबर से फोन कर रही थी वो नंबर इस जयदेव वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, चेक करो इसे। हाँ शाश्वता। सर जिस जयदेव वर्मा का आपने एड्रेस भेजा था वहाँ कोई जयदेव रहता ही नहीं है। आई थिंक वो नंबर फेक आईडी पर लिया गया है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें दो नंबर और भी मिले, वो दोनों भी फेक आईडी पर लिए गए। वो बच्ची जरूर गलत लोगों के चंगुल में फंसी है। उस बच्ची ने जिस नंबर से हमें फोन किया था वो नंबर उस वक्त गौतम नगर में एक्टिव था। गौतम नगर बहुत बड़ी कॉलोनी है। एक काम करो, एक टीम बनाओ, उस टीम को बच्ची का फोटो दो। स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, हो सकता है उस एरिया में बच्ची का फोटो देख के उसे कोई आइडेंटिफाई कर ले। अगर ये शर्ट उन्हीं क्रिमिनल्स में से किसी एक की है तो ये जेके टेलर से हमें उनकी लीड मिल सकती है। सर सर, शांतिनगर पुलिस थाने से उस बच्ची के बारे में पता चल गया जो लगातार हमें फोन करती रहती है। सर लगभग एक साल पहले इस बच्ची के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, तभी से ये बच्ची मिसिंग। वो बच्ची एक साल से मिसिंग है, उसकी फैमिली में और कौन कौन है? सर इसकी दादी है और चाचा है। मेरी काजल जिंदा, कहाँ है वो? आप उसे अपने साथ लेके क्यों नहीं आए?
इस वक्त काजल कहाँ है हमें नहीं पता। काजल ने हमारे पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था, उसे हमारी मदद चाहिए थी। हमें ऐसा लगता है कि उसको कहीं कैद करके रखा गया है। कहाँ कैद किए? ये हम पता लगा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ ये बताइए कि एक साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ। काजल उस दिन मेरे बेटे और बहू के साथ ही थी। वो लोग मुझे मिलने यहाँ मेरे घर आने वाले थे। दादी हम बस निकलने ही वाले हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे लिए स्पेशल डिश बनाई है ना। तू बस आ जा, तेरी पसंद की सारी चीजें बनाइए। अरे मम्मी आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जल्दी से आ जाओ बस। मैं शाम तक इंतजार करती रही, फिर खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने कहा कि मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट हुआ था, पर काजल वहां थी ही नहीं। उसने ऐसा कैसे हो सकता कि काजल भैया और भाभी के साथ नहीं होगी, इसलिए मम्मी को उन पे शक हुआ। मुझे तो यही भी लगा था कि मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ झूठ लिखा था साहब। मैंने अपनी आंखों से मेरे बेटे और बहू की लाशें देखी थी, वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरी बहू के पैर पे खून के निशान थे, जबकि वहां कोई चोट लगी नहीं थी। हमने कितना कहा लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। उस वक्त किसी पर शक था आपको? नहीं सर, हमें ऐसा कोई अंदाजा नहीं है सर। सर लेकिन हाँ, हमें ये जरूर लगा था कि भैया और भाभी जर्नलिस्ट थे और शायद इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा था सर। काजल ने जिस नंबर से हमें फोन किया था, फोन नंबर उस वक्त गौतम नगर में एक्टिव था। गौतम नगर में आपकी जान पहचान का कोई रहता है, कोई ऐसा जिस पर शक हो आपको, जो काजल के साथ ऐसा कर सकता हो या आपके बेटे बहू के साथ ऐसा कर सकता हो? नहीं सर, कोई भी नहीं है सर जिस पर हमें शक हो। लेकिन सर हम बस ये चाह रहे हैं आप काजल को प्लीज़ जल्दी ढूंढ दीजिए सर, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। काजल जिस शोषण का शिकार हो रही थी, क्या उसी घिनौने मंसूबे की वजह से किसी ने काजल से उसके माता पिता को छीन लिया था? क्या काजल के माता पिता वाकई एक साल पहले एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, या फिर काजल की दादी का शक सही था? क्या काजल अपने माता पिता के किसी जानने वाले के गुनाह का शिकार हो रही थी, या फिर उसके अपराधी कोई गैर थे? काजल की दादी के मन में अब एक उम्मीद की किरण जागी थी, पर पुलिस की चुनौती ये थी कि क्या वो काजल को ढूंढ पाएगी। वहीं सीरियल हाईवे रॉबरीज में पुलिस एक जेके टेलर नाम की शॉप की तलाश कर रही थी, पर क्या ये तलाश उन्हें सही दिशा दे पाएगी? हाँ मैडम, ये मेरा ही टैग है, ये शर्ट मैंने बनाई है। किसने बनवाई थी तुमसे? अब मैडम रोजाना इतने सारे ग्राहक आते हैं यहाँ पे, अब ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनमें से किसी को जानते हो? मैडम ये तो एकदम सुनील साहब जैसे दिख रहे हैं, वो भी आपकी तरह पुलिस में है, और उनकी पुलिस की वर्दी मैं ही सिल के देता हूँ। कहाँ रहता है ये सुनील? आइए मैडम, ये उनका घर। तो मैंने सुनील के रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए, कहीं भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो पुलिस वाला है। जबकि अमोल ने सुनील का फोटो आइडेंटिफाई करते हुए कहा है कि ये वही पुलिस वाला है जिसने वारदात वाले दिन बैरिकेडिंग पर उसकी गाड़ी रोकी थी। मतलब अब ये साफ है कि सुनील उन क्रिमिनल्स में से एक है जो फेक पुलिस वाले बनकर टारगेट सेट करते थे और उनके बाकी के साथी वारदात को अंजाम देते थे। सर टेलर ने जो सुनील का नंबर दिया था वो किसी फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है, और सर सुनील का वो नंबर उन दो नंबरों में से एक है जिससे काजल हमें कॉल करती थी। मतलब इस सुनील का काजल के अब्डक्शन से भी कनेक्शन है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल के पेरेंट्स इसी गैंग का शिकार हुए और फिर इसी गैंग ने काजल को अब्डक्ट कर लिया? काजल की दादी और चाचा का भी यही कहना है कि उनका मर्डर हुआ था। काजल की दादी और चाचा को बुलाओ, हो सकता है ये लोग इन क्रिमिनल्स को पहचानते हो। इनमें से तो हम किसी को नहीं जानते, पर ये आदमी का चेहरा कुछ दिखा दिखा लग रहा है। कहाँ देखा था आपने इसको? अच्छा ये बात है, ये छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम्हें धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हो, तुमने मुझे बताया था नहीं? हमारे प्रोफेशन में तो ये आम बात है ना, ऐसे कॉल और धमकी आना। लेकिन तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए ना एटलीस्ट। रघु मुझे धमकी भरे मैसेज कर रहा है।
कौन है? कौन है वहां? तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई गीतिका को धमकी देने की? हा? चल दे, आराम से शान। मुझे तो लगा यार तुम अकेले ही बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारी पत्नी तो समझदार होगी, पर नहीं, तुम दोनों के ऊपर ईमानदारी और अच्छाई की चर्बी चढ़ी हुई है। अब पते की बात सुन लो, केस जो है ना वापस ले, नहीं तो सबको मार देंगे। किस वजह से ये आदमी आपके बेटे और बहू को धमकी दे रहा था? वो हमने हमारे बेटे और बहू को बाद में पूछा भी था, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। एक तरफ हाईवे पर लूट और रेप के केस, और दूसरी तरफ उन क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल काजल की फैमिली के पर्सनल स्पेस तक पहुंच गया। से हाईवे रॉबरीज के 5 केसेस काजल के केस से बिल्कुल अलग लग रहे हैं। काजल के पेरेंट्स की संदिग्ध हालत में मौत और उसको कैप्टिव रखना, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद लग रहा है सर। अब तक हम मानकर चल रहे हैं कि काजल को गौतम नगर में कहीं कैप्टिव करके रखा गया होगा। एक काम करो, गौतम नगर में क्रिमिनल्स के बारे में पूछताछ करवाओ, शायद वहां पर किसी ने किसी को देखा हो। सर, जैन सर, पुलिस चारों तरफ से दबाव में थी। सीरियल हाईवे रॉबरीज के केस की तरह अब काजल मिसिंग केस भी मीडिया में छाने लगा था, और काजल के माता पिता की सस्पिशियस डेथ केस को रीओपन करने की मांग लगातार उठने लगी थी। पुलिस को अब यह डर लग रहा था कि कहीं इस गहमा गहमी में क्रिमिनल काजल की जान ना ले ले, क्योंकि इस खतरे से काजल को बचा पाना आसान नहीं था। हाँ सर, ये बच्ची को मैंने कई बार देखा हूँ, ये लड़का मेरे ऑटो में कई बार इसको लेके जाता था। ये दोनों लड़के और बच्चे अब कहाँ मिलेंगे, और तुम इनको कहाँ से पिक करते थे अपने ऑटो में? काजल के साथ मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी तो काजल यहीं पे थी, मतलब उसको यहीं कैप्टिव करके रखा गया था। पता करो ये जगह किसकी। काजल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उसको दिलीप लेके गया था। कौन दिलीप और कहाँ ले गया था? वो सब मुझे नहीं मालूम। एक साल पहले काजल का किडनैप तुम ही लोगों ने किया था ना? अरे आनंद, क्या हो? बाहर निकल रहे लेकिन क्या हुआ आनंद? अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो, आवाज बंद एकदम। छोड़ मुझे पिछले एक साल से साहब उससे मजे कर रहे हैं। ये जो हाईवे पे लूट और रेप के केसेस होते थे, ये सब भी तुम उसी साहब के कहने पे करते थे ना? नहीं साहब, इसमें हमारे साहब का कोई हाथ नहीं है। ये तो हमारे समुदाय का पुराना धंधा है, हम अपने देवता को प्रसन्न करते हैं, और हम में से एक पुलिस के भेष में बैरिकेडिंग लगा के टारगेट सेट करता है और हमको इन्फॉर्म कर देता है। ये सुनील तो तुम्हारे लिए काम करता था, फिर उसको क्यों मारा? उसके साथ बंटवारे के लिए झगड़ा हो गया था तो मेरे लोगों ने उसको मार दिया। देख, सब कुछ तो बता दिया तूने, अब ये भी बोल दे कि तेरा साहब कौन है और काजल कहाँ है। पिछले एक साल से मालिक के लिए तुझे संभाल के रखा था, बिल्कुल कांच की तरह खरोच भी ना पाए, लेकिन अब मालिक ने बोल दिया कि तुझे खत्म कर दूं। लेकिन ऐसे कैसे है? मेरे भी तो कुछ अरमान है, उनको भी तो पूरा करना है। कौन? 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 कौन
देखो बेटा डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे पास हो, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। बस बेटा हमें ये बता दो कि वो लोग तुम्हें किस आदमी के पास लेके जाते थे। पापा ने उस अंकल के अगेंस्ट न्यूज छापी थी। पत्रकार साहब बड़ी तेज कलम चलती है आपकी, सपाट सपाट सपाट, पर गलती से ना हमारे बारे में थोड़ा उल्टा सीधा लिख गई, लिखती तो बड़ा अच्छा है। अरे रघु, अरे क्या कहते हैं उसको, हाँ बाय मिस्टेक, चलो कोई नहीं अपनी गलती सुधार लो, दिल खोल के माफीनामा लिख दो हमारे बारे। नहीं लिखूंगा। अरे बाप रे, बड़ा खून उबल रहा तुम्हारा, मैं तो डर गया। अबे दो कौड़ी के औकात में आ जा, जो तेरी बेटी तेरी बीवी दोनों को जान से मार लेंगे। बस सुन रहा है समझदार पत्रकार, चलो मुठा माफी लिख और अपने परिवार की जान बचा। नहीं लिखूंगा। उसके करप्शन के एविडेंस थे, इसलिए उसने साहब ने बोला था कि उनकी मौत ऐसे हो जैसे एक्सीडेंट लगे, तो मैंने उनको मार के कार में डाल दिया और कार को खाई में फेंक दिया। तुम्हारा हिसाब कौन है? पता भी है किस पे डालो तुम, 10 मिनट के अंदर ना तुम्हारी वर्दी छिन जाएगी तुमसे। हमारी चिंता छोड़िए, अपनी सोचिए मंत्री जी, आपकी तो कुर्सी भी गई और इज्जत भी। ये फाइल देख रहे हैं, इसमें आपके सभी कुकर्मों का हिसाब किताब है। आपके कुछ वीडियो भी हैं हमारे पास जो इस बात का सबूत है कि आप लड़कियों को बंदी बना के रखते थे, उस समय समय पर उनका रेप भी करते थे। जाएं ससुराल। काजल के माता पिता द्वारा जुटाए गए सबूतों और काजल के बयान के आधार पर पुलिस ने पशुपति के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। वहीं रघु और दिलीप के बाद पुलिस ने निम्बट समुदाय के बाकी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया जो की एक लंबे समय से हाईवे रॉबरीज में इन्वॉल्व थे। एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार काजल अपनों के बीच पहुंच गई, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता की हत्या देखने के बाद वो पशुपति और बाकी के अपराधियों के बीच रोजाना शोषित हो रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और अपनी आवाज पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की। काजल अपने दर्द से कभी नहीं उबर सकती, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर बनकर अपने स्वर्गीय माता पिता का सपना पूरा करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि काजल के सपने जरूर पूरे हों। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।